मौलाना साहब मान गए? मौलाना साहब तो पहले भी माने थे, कुछ चीज़ों पे इतराज था, वो भी दूर हो गया। बानी पीटीआई का क्या मौकफ है इस हवाले से? उसका अपना मौकफ है कि मुझे मिलाया क्यों नहीं, बिजली मेरी बंद है, पानी मेरा नहीं है। वो ये नहीं देखता कि अवाम के मफाद की बात है, उसने तो ना ही करनी है। सुनो, शेर अफजल मरवत बोल कर गए हैं कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर ये तरमीम मंजूर होती है। देखे ना, उनका यही काम है, आज तक उसने कोई अच्छा काम किया? सर सुना है बानी पीटीआई ने अपनी टीम को, अपने वफ्द को नाराज करके बाहर निकाल दिया, आप क्या कहेंगे? आप इसी पे तो क्या, वो बाहर आके कहेगा तुम कौन हो, मैं हूँ सब कुछ। तो आवाम के लिए करना चाहिए, लेकिन चपन्ना जो होता है वो काटता भी। मौलाना साहब मान गए? मौलाना साहब तो पहले भी माने थे, कुछ चीज़ों पे इतराज़ था, वो भी दूर हो गया। बानी पीटीआई का क्या मौकफ है इस हवाले से? उसका अपना मौकफ है कि मुझे मिलाया क्यों नहीं, बिजली मेरी बंद है, पानी मेरा नहीं है। वो ये नहीं देखता कि अवाम के मफाद की बात है, उसने तो ना ही करनी है। सुनो, शेर अफजल मरवत बोल कर गए हैं कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर ये तरमीम मंजूर होती है। देखे ना, उनका यही काम है, आज तक उसने कोई अच्छा काम किया? सर सुना है बानी पीटीआई ने अपनी टीम को, अपने वफ्द को नाराज करके बाहर निकाल दिया, आप क्या कहेंगे? आप इसी पे तो क्या, वो बाहर आके कहेगा तुम कौन हो, मैं हूँ सब कुछ। तो आवाम के लिए करना चाहिए, लेकिन चपन्ना जो होता है वो काटता भी। अच्छा, थैंक यू सर। कितनी दफा?